महाराष्ट्र में भाजपा ते शिवसेना में चल रही तकरार कारण नवी सरकार नूं लैके अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। उधर नितिन गडकरी ते उद्धव ठाकरे की मुलाकात तो पहला शिवसेना नेता संजय राउत ने दोष लाया कि भाजपा जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार के गठन लिए देरी कर रही है क्योंकि वह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राज लागू करना चाहती है तो यह देश का अपमान होगा। संजय राउत ने भी कहा कि महाराष्ट्र दिल्ली के अगे सिर नहीं झुकाएगी, यह पछाण की लड़ाई है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की जनता का अपमान होगा। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएंगे, लेकिन आप सरकार नहीं बनाएंगे 105 बड़ी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, और कोई राष्ट्रपति शासन के आड़ में महाराष्ट्र को रूल करेंगे, ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र का अपमान भी है, स्वाभिमान का, अभिमान का और शिवसेना का। आपने देखा होगा ना शरद पवार साहब झुके ना उद्धव ठाकरे साहब झुकेंगे, न्याय और अधिकार की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई जारी रहेगी। आपने ट्वीट पढ़ा है ना? हाँ। तो तुम्हें मतलब है कि न दैन्य न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम, हम भागेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश हमेशा मुझे याद आता है और हम लड़ने वाले लोग। कौन भाग रहे हैं दिल्ली से, यहाँ नहीं आ रहे हैं? हम जहाँ है महाराष्ट्र में हम खड़े हैं। ये महाराष्ट्र हमारा है, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बालासाहेब ठाकरे जी तक हमने हमेशा महाराष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है और हम अपने जगह पे मजबूती से खड़े। संविधान अनुसार सीएम को कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे देवेंद्र जी हो या चाहे और कोई हो, आज तो इस्तीफा देना पड़ेगा। आज विधानसभा की आखिरी दिन है, उनकी मुदत आज खत्म हो रही है। ये राज्यपाल महोदय के ऊपर निर्भर रहेगा, लेकिन हम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने बार बार कहा है कि सबसे पहला मौका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मिलना चाहिए। तो कल आखिरी मैंने आज ही बीजेपी नेताओं का बयान पढ़ा है। वो बयान में वो कहते हैं कि हम शिवसेना के सिवाय सरकार नहीं बना सकते या नहीं बनाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में जो बातें चुनाव से पहले तय हुई थी सरकार बनाने के बारे में, आप उसके बारे में बात करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये कालजी बाबू, हाँ, केयर टेकर, उसकी जरूरत नहीं है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सत्ता बनाने को लेकर चल रही तनातनी दे विच कांग्रेस नेता ते विरोधी धिर दे नेता विजय बड़े टवीर ने बीजेपी ते होर्स ट्रेंडिंग का दोष लाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शिवसेना के विधायकों को खरीदने लिए 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की है। बीजेपी लगातार शिवसेना के विधायकों को लालच दे रही है, इसलिए शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में रखा हुआ है। कांग्रेसी आगू ने यह भी कहा कि कुछ कांग्रेसी विधायकों नाल भी भाजपा नेतावां नाल भी संपर्क किया जा रहा है। को भय होने का सवाल ही नहीं, हमने तो पहले ही कह दिया है कि जो MLA अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करता है उसके खिलाफ हम सब मिलकर कॉमन कैंडिडेट देकर उसको जीतने नहीं देंगे। और जब ये 30-32 MLA को तोड़कर इन्होंने NCP कांग्रेस के इलेक्शन के पहले, तो उसका हसर क्या हुआ? करीबन 80% MLA को पराजित होना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ये सबक तो सबने लिया है, सब लोगों ने लिया है। अभी कोई हिम्मत नहीं करेगा तोड़ने, आर जाने की, पार्टी के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो ऐसे स्थिति में कुछ लोगों को बीजेपी की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है। ये बातें तो कल तो आपके सब चैनलों पे चल रही थी। शिवसेना ने तो शिवसेना के एक MLA को खुली ऑफर दी गई थी 50 करोड़ की, ये तो मैं TV चैनल पर देखा हूँ। अब ऐसे स्थिति में वो मित्र पक्ष के ही आमदार पे, जो उनका अलायंस पार्टनर था, उसके ऊपर अगर वो डोरे डाल रहे, उसको प्रलोभन दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकते। हमारे भी कुछ MLA के साथ उन्होंने संपर्क किया था, ये बात बिल्कुल 100% सच है। और सवाल रहा कि हम लोगों के MLA कहाँ हैं, तो हमारे MLA अपने अपने जगह में हैं। कोई हमने ऐसे MLA को, हाँ, उनको इतना इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर ऐसा कोई फोन करता है तो फोन टेप करो, और कोई प्रलोभन देता है, कोई धमकाता है, तो उसका फोन टेप करो। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, हमारे MLA को कोई खतरा नहीं है और हमारे MLA कोई फुटने वाले नहीं है, सब हम लोग सुरक्षित हैं।
आगरा विश्व पद्धरी इमारत ताजमहल भी बढ़ रहे हवा प्रदूषण कारण अछूत नहीं है। संगमरमर की इमारत ताजमहल के दुआले स्मोक के बदल छाए हुए हैं। धुआं ताजमहल के मेहमानों साफ नहीं दिखाई दे रहा। ताजमहल को देखने आने वाले सैलानी प्रदूषण कारण मास्क की वरतों कर रहे हैं ता जो वह किसी हद तक प्रदूषण तो बच सकन। ताजमहल अपनी सुंदरता लिए पूरी दुनिया में जाने जाता है, पर इन दिनों ताजमहल प्रदूषण नाल बदल छाए हुए हैं जो सैलानियों निराश कर रहे हैं। आगरा में तो बहुत ही पोल्यूशन है। कल हम यहाँ आके गए मगर पोल्यूशन की वजह से ताज को ठीक से नहीं देख पाए। मैंने आगरा के फोर्ट भी वहाँ पे भी जाके देखा तो बहुत सारा धुआं धुंधला सा दिखाई दे रहा था, इसलिए हम कल नहीं देख पाए थे। आज वापस आके ताज देखे, आज थोड़ा सा धूप खिली है इसलिए थोड़ा सा ठीक दिखा है, मगर ओवरऑल क्वालिटी एयर पोल्यूशन की क्वालिटी तो काफी काफी खराब है। तो पूरा ये है उसके वजह से तो क्लियर नहीं है और थोड़ी आंखों में जैसे जलन जैसे हो रही थी थोड़ी सी और काफी, लेकिन उसको इफेक्ट करेगा, मतलब ताजमहल को भी इफेक्ट करेगा वो पोल्यूशन। देखिए ऐसा है, एक हिजाब है जो कभी शर्म के लिए हुआ करता था, औरतें शर्म के लिए लगाया करती थी, आज उस हिजाब को आम मर्द भी पहन रहे हैं और औरत भी। कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इससे बचने के लिए लोगों को अपनी जान बचानी पड़ रही है, मास्क लगा। भाजपा संसद मैंबर सनी देओल करतारपुर लांघे के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। सनी देओल ने पत्रकारों नाल गलबात दौरान इसकी पुष्टि की। उद्घाटन समारोह 9 नवंबर को पाकिस्तान के करतारपुर में होगा। पहले जत्थे में साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल ने। जब सनी देओल को समारोह में शामिल होने बारे पूछा गया तो उसने कहा कि जे मैं नहीं तो कौन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाऊंगा। मेरा इलाका है, मेरा घर है, जरूर जाऊंगा। सर स्टेजा दो लग जाए पंजाब सरकार केंद्र दी, इहदा तुहाडा की रिएक्शन है? की कह रहे हो? स्टेजा दो लाई जा रही है पंजाब सरकार केंद्र सरकार वख वख स्टेजा लाई जा रही है। देखो सारे ना मतलब सारे ना रूह ते दिल ते ही कह रही है ना कि सारा कुछ अच्छा हो जाए। एदे नाल एक पीस ही होगी दोनों पास, चाहे स्टेज 10 लगन चाहे 2 लगन, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। श्रद्धा सही होनी चाहिए है बंदे दी। तुसी पाकिस्तान यात्रा जा रहे हो? हाँ जी जावांगे, जरूर जावांगे। सीएम साहब कह रहे हैं कि आईएएस दा हाथ हो सकदा लांगे विच, की कहना? देखो मैं ए सारीयां चीजां विच मैं कुछ नहीं कह सकता, इंटेलिजेंस नूं ज्यादा पता होगा की नहीं है, तो मैं इहदे बारे कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। मैं 3 एंबूलेंसेज इत्थे इशू कीतियां, तो बस मैं यही चाहना कि हौली हौली मैं होर जिन्ना कुछ चाहिए है वो सारा कुछ असीं करिए इत्थे, क्योंकि मैं पिछली बार आया सी, मैंने देखा कि इत्थे मरीजां ने कोई भी चीज़ सही नहीं सी, तो मैं अपने वालों पूरी कोशिश नहीं पर मैं जरूर करांगा, बहुत कुछ करांगा, क्योंकि सेहत सारे तो जरूरी चीज़ है। नाले बंदा हॉस्पिटल आंदा कि इस उम्मीद नाल कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो अपने को एम्बूलेंस नहीं सी, तो जिदे करके फिर मैं हूँ तो शुरुआत चिंता की, अगे देखते हैं आप कितने।